सरकारी नहीं चलेगी, ये आतंकवादियों की पार्टी है कांग्रेस, और इसकी इसकी सरकार किसी के साथ नहीं चलेगी। ये पहले खजूर पे चढ़ा देती है और फिर नीचे से आरी से काटती है। ना तो आदमी फिसल सकता है और ना कूदेगा तब भी मरेगा, और फिसलेगा तो वो अंदर छुरियां घुसेंगी, छुरियां वो दोनों तरफ से मारा जाएगा। इसका ये पुराना इतिहास रहा है। ये नेहरू सबसे बड़ा डकैत था। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली के अंदर म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। सन 57 में नेहरू डकैत ने सन 57 में म्युनिसिपल कमेटी भंग करा दी। हमारे को ये 58 में बना दी कारपोरेशन। ये लाइसेंस आज तक रेनू नहीं हुआ। अब जैसे कि ये तीनों पार्टियों की सरकार बनने जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि सर ये नहीं चलेगी, सरकार ही नहीं बनेगी? ये सरकार ही नहीं बनेगी, चले चलना तो दूर, ये सरकार ही नहीं बनेगी। कहां से किसने कह दिया ये आतंकवादियों की पार्टी का साथ लेकर सरकार बनाएंगे? ये नहीं बनेगी। ये तो सपना देखते रहो, कितने दिन हो गए इसको, 1 महीने से ज्यादा हो गया। ये आजकल करते हुए ये दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। ये सरकार नहीं चलेगी, चलेगी तो बीजेपी की सरकार चलेगी, कोई सरकार नहीं चलेगी, समझे? ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक है। माया मोहन और मुलायम, एक नाम और 3 डकैत। माया ने हाथी दिए, मुलायम ने दी गोलियां, और मनमोहन ने घोटाले दिए और खूब भरी तिजोरियां। 40 चोरों ने मिलकर सरकार बनाई, नाम रख दिया यूपीए। मतलब इसका यानी यूनाइटेड पॉकेट मार एसोसिएशन, पॉकेट मारों की सोसाइटी। गरीब की रेड़ी 1000 की और जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक। वो तो रात को लूटे, ये दिन में लूटते, समझे? ये गोलगप्पे वालों का आटा खा गए, मिट्टी का तेल पी गए, हलवाइयों का कोला खा गए, बदरपुर का पहाड़ खा गए। वहां से ढाक का पत्ता आता था, पूरी दिल्ली में सप्लाई होता था, पूरी दिल्ली में सप्लाई होता था, छोले वाले और गोलगप्पे वाले, और छोले बेचते थे, हलवाई दोने में सब्जी दिया करते थे। हमारी उम्र के हमसे पत्ते ले जाते थे, मांग के बेटा 2 पत्ते दे दो। हम पूछते थे बाबा क्या करोगे, अरे बेटा जोड़ों में दर्द हो रहा, बेटा पैर में सूजन आ गई, बेटा पैर में मोच आ गई, आज आपको 100 रुपए का भी ढाक का पत्ता नहीं मिलेगा। ये बदरपुर का पहाड़ भी खा गए, ये तुगलकाबाद का भी पहाड़ खा गए, ये DTU की बसें चलती थी इसको भी बेच के खा गए, बिजली के खंभे ढाए, क्या नाम है, गाटर, डबल गाटर वाले एंगल बीच में लगे हुए लोहे के, ये वो भी खा गए। सरकारी जमीनों पे इनका पेशा क्या था, सरकारी जमीनों पे नाजायज कब्जे कराओ, झोपड़ियां डलवाओ, और इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ, सुबेरे जाके आलू पूड़ी बंटवाओ। सड़कों पे पटरियों के किनारे 2.5 मन के काले पत्थर होते थे, ये पत्थर भी बेच के खा गए, समझे? सुबह क्या नाम है, आग लगवाओ और सुबेरे जाकर के इनको आलू पूड़ी बंटवाओ। गरीब को गरीब बना के रखो ताकि वोट बैंक पक्का बना रहे। अगर ये अमीर हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा? अंग्रेजों ने बांटा हिंदू मुसलमानों को, 200 बरस राज करा, और इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो दलितों को ब्राह्मणों को भी बांट दिया। इन्होंने मियाँ बीबी को भी नहीं छोड़ा। शादी होती है पीछे, पहले मियाँ जी चले जाते हैं जेल और केस बन जाता दहेज का। शादी हुई नहीं है, लड़का दहेज मांग रहा, उठाओ डाल दो जेल में, ना सबूत ना गवाह ना जांच ना इंक्वायरी, बस सीधी गिरफ्तारी। इंदिरा ने लव मैरिज करा तो लव मैरिज का कानून आ गया, और सोनिया आई तो दहेज का कानून आ गया। फूट डालो और राज करो। दिल्ली को भी नहीं छोड़ा इन डकैतों ने, 3 टुकड़े कर दिया। हाँ, ये राजाओं के रजवाड़े खत्म कर दिए, नवाबों की नवाबियाँ खत्म कर दी, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, 1000 के नोट बंद करा दिए, लोगों ने बोरे में भर भर के खत्ते में डाल के आग लगा दी, जमुना में बहा दिए, गंगा में बहा दिए, दरिया में बहा दिए, समझे? सरकारी कर्मचारियों से कह दिया तुम्हारे 2 बच्चों से ज़्यादा हैं, तुम नौकरी छोड़ दो या 5-5 केस ला के दो। उन्होंने नौकरी बचाने के चक्कर में क्या करा, नाबालिग बच्चों को पकड़ा, उनकी नसबंदी करवा दी। कुछ लोग बांग्लादेशी आए हुए थे शरणार्थी, जो 10 करोड़ इंदिरा ने शरणार्थियों को बुलाया था, समझे, वो आए हुए थे, उनको 200-200 रुपये दे के उनकी नसबंदी करा दी, समझे, अपना कोटा पूरा कर लिया। उसी दौरान इंदिरा गांधी तो दुनिया के गले का नाप ले रही थी, किरण बेदी ने इसके गले का नाप ले लिया इंदिरा गांधी के, इसकी गाड़ी उठा के 3 मूर्ति थाने में डाल दी। इसको इंदिरा को रात को नींद नहीं आई, सुबेरे उठ के इसने क्या करा, दिल्ली के अंदर IG हुआ करते थे, उनको बोलते थे जनरल इंस्पेक्टर, समझे? नेहरू भी दरियागंज से नूर सलूट मार करके निकल के तब लाल किले जाते थे, और ऊपर से IG साहब सलूट नहीं लेते थे, ऊपर से कहते थे हाँ भाई ठीक है ठीक है। हमारे चावड़ी बाजार में सिपाही आता था, गलियां खाली हो जाती थी, चोर मच जाता था, अबे पुलिस वाला आ गया, पुलिस वाला आ गया, 4 आदमी नजर नहीं आते थे। इसने सुबह उठ के आनंद फानन में विशेष सत्र बुलाया और क्या करा,
जनरल इंस्पेक्टर पीएस भेंडर, उनको कमिश्नर बना दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना। एक घंटे बाद खबर आती है कि इनका बोरिया बिस्तर बनवा दिया, यानी ट्रांसफर। अब ये बेचारे रह गए कमिश्नर साहब, हाथ में लेके बैठे हुए झुंझुना। अब करे जाओ कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, आदर्श घोटाला महाराष्ट्र में, परिवहन घोटाला दिल्ली में, 13-13 लाख का एक वाला टिकट 5 का, 5 वाला 15 का, कोला घोटाला मनमोहन सिंह कर गए, बिजली और पानी का घोटाला वो शीला कर गई, मीटर ऐसे भागने लगे जैसे मीटर नहीं भाग रहा, कोई रेलगाड़ी का पहिया भाग रहा। एक एक किलो वाट के मीटर 4-4 किलो वाट के बना दिया। गैस का सिलेंडर 1400 रुपये का, वो भी साल में 6। दालें 150 रुपये किलो, अरहर की दाल 200 रुपये किलो, और चीनी 50 रुपये किलो, और पाकिस्तान की सड़ी हुई प्याज जिसको जानवर नहीं खाए वो 100 रुपये किलो। लूटे जाओ देश को, कोई बोलने वाला नहीं है। कमिश्नर साहब के हाथ में झुंझुना है, अगर होते ना आईजी तो ये सारे के सारे डके चक्की पीस रहे होते जेल में। ये तो आतंकवादी थे, आतंकवादी। मैं पूछता हूँ ये कौन से नेहरू हैं, मुझे बताया जाए ना किसने इनको नेहरू की पदवी दी है। कौन से नेहरू है या कौन से गांधी है, किसने बनाया इनको गांधी? ना तो दुनिया के अंदर, देश हिंदुस्तान के अंदर ना तो कोई नेहरू है ना कोई गांधी। एक ही गांधी था जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी हमारे देश के लिए। उसका नाम नहीं होता, उसके नाम पे ये डकैत लूटते हैं। ये आतंकवादी थे। 7 नवंबर 1966 में 10 लाख लोगों के ऊपर गोली चलवाने वाले पार्लियामेंट पे आतंकवादी थे, पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक थे, जिसकी वजह से गुलजारी लाल नंदा को इस्तीफा देना पड़ा था। जिस पेपर ने, ये वीर अर्जुन एक पेपर निकलता था, उसने ये खबर छाप दी, उसके संपादक को उठा के जेल में डाल दिया और प्रेस को सील कर दिया। इनकी कहाँ तक जड़ें खुलवाओगे? किसानों के पास, गरीब से गरीब किसान होता था, उसके पास भी 100 बीघा जमीन हुआ करती थी, समझे? आज उसके हाथ में कटोरा पकड़ा दिया, सारी ज़मीनें खा गए, कई उद्योग धंधों के नाम से, कई रबड़ फैक्ट्री के नाम से, कहीं क्या नाम है अस्पतालों के नाम से, कई सड़कों के नाम से, जितनी भी ज़मीनें आज गांधी परिवार की हैं और किसी के पास नहीं है, किसानों के हाथों में कटोरा है, लूट के खा गए। दिल्ली वाले जब तक जल नहीं पीते थे, जब तक जमुना में गोता नहीं लगाते थे, आज इन्होंने 70 साल में आबादी बढ़ा बढ़ा करके ये जमुना को नाला बना दिया, नाला। आज उसमें कोई प्यार भी नहीं डालता उसके अंदर। जैसे कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस, तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के नेता संजय निरुपम कहते हैं कि ये लंगड़ी लूली सरकार नहीं चल पाएगी, ये जो फूट है कांग्रेस के खुद के नेताओं में। उन्होंने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि ये आतंकवादी है, इनके साथ इनके रास्ता, इनका रास्ता अलग है, इनके विचार अलग है, उनके विचार अलग है, ये नहीं चल पाएगी, समझे? कांग्रेस खुद के पंडित, एक पंडित वैष्णव खाना खाता है और एक हरिजन वो मांस मदिरा दारू पीने वाला होता है, दोनों को एक थाली में बिठाल के आप कभी नहीं खिला सकते। कितनी भी कोशिश कर लीजिए, दोनों को बिठाल के एक थाली में नहीं खिला सकते। मैं आपको बताता हूँ, ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये बनेगी नहीं, सरकार बनी नहीं सकती है, कोई ताकत नहीं है। अगर ये चल जाए तो हम भी हैं, हम दिल्ली में, हमने 1947 से यही देखा है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर मैं, ऐसा नहीं है कि बीजे अब शिवसेना खुद अपना अस्तित्व खोती जा रही है। हाँ, एकदम सही है। ये तो इन लोगों का सिर्फ ये सीएम की कुर्सी लेने के लिए सारा कुछ है मैडम, बस मूल बात यही है। जेएनयू के समर्थन करने से क्या लग रहा है उन्हें, सच में कांग्रेस से सही? जेएनयू की बात नहीं है मैडम, ये हर उस भारत विरोधी के सपोर्ट करेंगे आज के डेट में, वो उस सीएम की कुर्सी के लिए जो ये जरूरी समझेंगे। यहाँ तक कि अगर इमरान को भी अगर ये सपोर्ट कर दे या फिर वो आतंकवादियों किसी को सपोर्ट कर दे, कोई तो आश्चर्य वाली बात नहीं होगी आने वाले दिन में। जैसे कि शिवसेना शरद पवार बार बार बात को टाल देते हैं, कभी वो पीएम नरेंद्र मोदी से मिलते हैं और कभी वो संसद सांसदों के साथ, बीजेपी के सांसदों से भी मिलते हैं अपनी बेटी के साथ, तो क्या लग रहा है, क्या है शरद पवार के मन में? वो सच में शिवसेना के साथ सरकार बनाना चाहते हैं या फिर वो गुगली खेल रहे हैं? शरद पवार जी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं और वो पुराने खिलाड़ी हैं, वो ऐसा नहीं है। वो अपनी एक गोटी सेट कर रहे हैं, जिस दिन वो गोटी सेट हो गई उस दिन वो सबको लात मारेंगे और सरकार बना लेंगे।